हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रुहेश। और ये वीडियो में मैं एक बहुत ही यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। हालांकि बहुत सारे वीडियोस जो आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर इससे रिलेटेड है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको अपने अंदाज से अपने तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। अगर आपको रिलायंस का जियो का 4G सिम चाहिए और बहुत से लोगों को मिल भी गया है और उसको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे कोड जनरेट करना है, 2GB से कैसे अनलिमिटेड करना है और काफी सारे कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहते हैं रिलायंस के जियो से। मैंने बहुत वीडियोज देखे हैं, बहुत कमेंट्स पर है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अब भी कन्फ्यूजन है। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा, अपने तरीके से आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बाद शायद से कोई कंफ्यूजन जबर नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि 4G का जियो का सिम कार्ड जब हम कैसे ले सकते हैं। तो बहुत बार क्या हुआ कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि नॉन सैमसंग और LG फोन्स को भी जो वो रिलायंस का जियो का 4G सिम जो वो मिल रहा है। हालांकि इसमें दो चीजें, हाँ भी और ना भी है। बहुत से लोग जो वो लकी है उनको मिल भी रहा है और काफी सारे मुझे टेक्स्ट भी आ रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि हमको जो वो मिल गया। तो जी हाँ, वो लोग लकी है, उनको मिल जाता है। काफी सारे लोगों को जो वो नहीं मिल रहा है, गैलरी जो डायरेक्टली मना करे क्योंकि उन तक अभी अपडेट अभी तक उनके पास अपडेट नहीं पहुंचा है। प्रॉब्लम ये हो गया कि रिलायंस ने पहले अनाउंस किया था लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ ये सिलेक्टेड सैमसंग और LG के फोन के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के पास कोड है जनरेट करना है वो कैसे जनरेट करते हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि माई जियो का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो बहुत से लोग जो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं कोड को जनरेट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास नॉन सैमसंग और LG फोन, अगर आपको सैमसंग के फोन दिखा के वो कोड लेना है और अपने फोन में चलाना है कूलपैड के L2 में वगैरह में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कोड जो है वो अपने Xiaomi के कूलपैड के L के फोन से ही जनरेट करना पड़ेगा और वो कोड सेंड करना पड़ेगा ब्लूटूथ से शेयरिट से और उस फोन के अंदर सैमसंग के वो फोन दिखा के आप जो वो सिम कार्ड का जो वो ले सकते हैं। अब कैसे करना है उसके लिए आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक लिंक दिया हूं, वो ओल्ड माई जियो APK है। जी हां, क्योंकि नए APK में अपडेट आ गया तो शायद से आप नहीं कर सकेंगे। वो APK को आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको सारे 11 एप्लीकेशन आप देखेंगे जियो के जितने भी एप्लीकेशन रहते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको जो वो वन बाय वन इंस्टॉल करना है। सारे एप्लीकेशन आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं फिर आपको क्या करना है, वापिस से जो वो माई जियो में जाना है और अपना डेटा को जो वो पहले ऑफ कर देना है, वाईफाई को बंद कर देना है, सब कुछ ऑफ कर देना है, सारी चीजें नीचे से क्लियर कर देना है। उसके बाद उसको ओपन करके उसमें जाना है। आप जैसे कि उसमें जाते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो आपको एक गेट जियो सिम का ऑफर आ जाता है। जी हाँ, तो ये एक तरीका है ओल्ड सिम के ऊपर, ये जो बग था ये अभी भी चल रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ ओल्ड APK पे। अब आप जैसे उसमें ओपन करते हैं वहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आपका डेटा कनेक्शन एरर आ रहा है, वहां पे आपको फिर से अपना वाईफाई को जो वो ऑन करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, वहां से डायरेक्टली जाके अपना जो कोड है वो आसानी से जो वो जनरेट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरा डिटेल देखेंगे इस तरीके से आप जो वो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप कोड जनरेट कर लेते तो आपको वहीं पे दिखा देगा कि नियर बाय स्टोर कौन सा है, आप वहीं पे स्टोर को लोकेट कर सकते हो, जा सकते हैं। अगर आपको स्टोर लोकेट करना नहीं आ रहा है तो मैं उसकी लिंक अपने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पे जाइएगा और रिलायंस का नियर बाय स्टोर को जो आसानी से आप लोकेट करके जा सकते हैं। आपके पास अब कोड आ गया है, उस कोड को आपको क्या करना है कि अपने कोई भी सिलेक्टेड सैमसंग फोन में या LG फोन में सेंड करना है और आपको गैलरी में जाना है। जी हाँ, अब जब आप गैलरी में जाते हैं तो आपको ऐसे ही नहीं जाना है, आपको साथ के अंदर अपने KYC डॉक्यूमेंट जो वो लेके जाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप गैलरी में आप जाते हैं तो वो लोग आपसे जो है वो KYC डॉक्यूमेंट में सबसे जो पहली चीज मांगते हैं वो है आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड अपने साथ में लेके जाना है, एक ID प्रूफ लेके जाना है साथ में, यानी कि पैन कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं, वो ID प्रूफ है। आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है तो एड्रेस प्रूफ वहाँ पे कवर हो जाता है। साथ में आपको एक ID फोटो भी लेके जाना पड़ेगा, जो आपको फोटो वो मैंडेटरी होता है आपको जो वो मांगते हैं। ये सारी चीज आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद वो आपके हाथ में जो वो सिम कार्ड दे देते हैं। लेकिन जब आपको सिम कार्ड देते हैं तो सिम कार्ड फिलहाल एक्टिवेट नहीं होता है, आपको लगभग 2 से 3 दिन लगेगा वो सिम कार्ड को एक्टिवेट होने में। पहले कुछ 1-2 घंटे में एक्टिवेट हो जाता था, काफी सारे लोग ने बोले कि हमारे 1-2 घंटे में एक्टिवेट हो गया था, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो सिम कार्ड ले रहे तो 2-3 दिन का टाइम लग रहा है। जैसे आपके हाथ में सिम कार्ड आ जाता है तो 1-2 दिन बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपको SMS आएगा, जो नंबर से आपने उसको वहां पे रजिस्टर किया है, जो कि नॉन जियो नंबर है। जी ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास तो अभी सिम कार्ड आया है। उसके बाद आपको एक नंबर आएगा, मैसेज आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का आपको कुछ मैसेज आएगा और बोला जाएगा कि आपका जो रिलायंस का जियो फोन है अब एक्टिवेट होने आ गया है। आपको 1977 पे उसको अपने फोन में डालना है सिम कार्ड को पहले, और 1977 पे कॉल करके उसको एक्टिवेट करना है। अब रही बात नॉन वोल्टी सपोर्ट फोन्स की, तो सबसे पहले आपको सिम कार्ड अपने कूलपैड के या L2 के Xiaomi के फोन्स में डालना है, जो आपने जनरेट किया था सैमसंग के फोन से लेके अपने फोन्स के अंदर उसको डालना है। और सबसे पहले आपको जब जाना है तो आपको डायरेक्टली, अगर जिसमें वोल्टी सपोर्ट नहीं है, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है कि रिलायंस के प्ले स्टोर में जाना है और जियो ज्वाइन करके एप्लीकेशन है रिलायंस का, आपको उसको इंस्टॉल करना है।
उसको ओपन करना है और वहां से आपको 1977 कॉल करना है। तो वहां से क्या होगा कि आप डायरेक्टली जो है वो ऑटोमेटिकली 1977 पे कॉल हो जाएगा और आपका सिम कार्ड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिनको पास जो है वो वोल्टी सपोर्ट है वो डायरेक्टली डायलर में जा सकते हैं, 1977 पे कॉल कर सकते हैं और आपका सिम कार्ड जो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रही बात सिम कार्ड लेने की, कोड जनरेट करने की और फाइनली सिम कार्ड को एक्टिवेट करने की। जी हाँ, आपको SMS भी आ जाएगा कि आपका सिम कार्ड जो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे सारी चीजें जो वो कंप्लीट हो जाती है। अब बात रही जब आप सिम कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद आपको सिर्फ 2GB डेटा मिलता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और काफी सारे लोगों के दिमाग में रहता है और बहुत बार हुआ ये काफी सारे लोगों के साथ। अब 2GB से कैसे आप लोगों को अनलिमिटेड करना है ये सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रिलायंस के माई जियो एप्लीकेशन में जाना है और वहां पे आपको जो वो साइन अप करना है। जी हाँ, उसको ओपन करना है, साइन अप करना है, एक ID बनाना है, उसके बाद OTA वेरिफिकेशन आएगा, जो भी आएगा आपको साइन अप करना है। उसके बाद जैसे आप साइन अप कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर से साइन इन करना है। जी हाँ, और साइन इन करने के बाद आप जैसे अंदर जाते हैं तो आपके सामने दिखाएगा कि आपका जो डेटा है वो सिर्फ 2GB का है। जी हाँ, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां से बाहर आ जाना है और उसके बाद आपको सारे एप्लीकेशन आपने जियो के इंस्टॉल किए थे उसको 1 by 1 अनइंस्टॉल करना है। जी हाँ, टोटल 11 एप्लीकेशन होते हैं, आपको सारे के सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है, साथ में जियो का एप्लीकेशन भी अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ओल्ड APK जैसे कि आपको मैंने पहले कहा था उसको इंस्टॉल करके हमने जो सिम कार्ड कोड जनरेट किया था आपको वो ओल्ड APK जो वो ऑफिस है इंस्टॉल करना है और उसको जो वो ओपन करना है। इस बार आपको याद रखना है कि जब भी आप यूज करेंगे आपको वाईफाई यूज बिल्कुल भी नहीं करना, आपको अपने मोबाइल डेटा 4G वाला जो वो यूज करना है, जो आपको 2GB मिला है वो वाला। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको सारे एप्लीकेशन जो वो अपने 4G डेटा से इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से, जो कि 11 एप्लीकेशन टोटल होते हैं। वो सारे इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने रिलायंस का जो माई जियो का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना पड़ेगा। लेकिन इस बार आपको फिर से वही ट्रिक आजमानी पड़ेगी जो आपने फर्स्ट टाइम पे की थी कोड जनरेट के लिए। आपको अपने डेटा को जो वो ऑफ कर देना पड़ेगा क्योंकि हमें जो वो रिलायंस का गेट जियो फ्री सिम ऑफर जो वो लाना है फिर से। जैसे आप ऑफर उसको डेटा को ऑफ कर देते हैं, नीचे से सारी सर्विस बंद करने का, फिर से रिलायंस का माई जियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने ऑफर आएगा गेट फ्री जियो का। आपको इस बार उसको क्लिक करने से पहले नीचे की तरफ साइन इन का ऑप्शन रहता है, वहां पे जाने से पहले आपको अब जो अपना डेटा ऑन करने का है। आप सोच रहे बहुत कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, हमें वही चीज वापस स्टेप दोहराना है वो पहले हमने जो कोड जनरेट करने के टाइम पे किया था जहाँ पे हमें गेट फ्री जियो सिम का ऑफर का वो ऑप्शन आता है, बस यही ऑप्शन हमें चाहिए। लेकिन सारी चीजें हमें जो वो हमारे अभी 4G के डेटा से चाहिए ना कि वाईफाई से। लेकिन जब हम पहले जो वो गेट फ्री जियो सिम पे क्लिक किए थे, इस बार हमें जो सिर्फ नीचे साइन इन करना है हमारे डेटा से। जी हाँ बस, लेकिन वो ऑप्शन हमें लाना ऊपर की तरफ बहुत जरूरी रहता है, वो पता नहीं क्यों, या मैं भी नहीं समझता हूँ। उसके बाद आप नीचे की तरफ साइन इन करेंगे। इस बार आप जब साइन इन करते हैं तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे आपको वहां पे एक दिखा देगा 90 डेज अनलिमिटेड करके लिखा रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और आप जैसे ही सबमिट क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देखेंगे तो पूरा एक अनलिमिटेड चीजें सामने आ जाता है। जी हाँ, तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप अपने 2GB वाले डेटा को जो आप कूल पैड में शाओमी में फोन पे यूज कर रहे थे अब आप उसको आसानी से जो वो अनलिमिटेड कर सकते हैं अपने माई जियो के ओल्ड APK से। आप ये जो वो कर सकते हैं, नए वाले से आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बस दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की सारी कंफ्यूजन जो वो मैंने दूर कर दिया हूँ। जो लोग के पास अगर कोड जनरेट करने नहीं आ रहा था उनको मैंने बता दिया कि आप जो वो कैसे अपना कोड जनरेट कर सकते हैं ओल्ड माई जियो का APK इंस्टॉल करके और सैमसंग के फोन्स में कोड को भेज के और अपने दूसरे फोन्स में सेंड करके आप आसानी से फोन का जो वो 4G का सिम कार्ड जो वो ले सकते हैं। सिम कार्ड लेने के बाद आप अपने कोई भी नॉन वोल्टी फोन में डालते हैं तो उसके बाद आप कैसे उसको एक्टिवेट करना है जियो जोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर वोल्टी फोन रहता तो आप डायरेक्टली उसको तो डायलर से 1977 पे कॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद अपने 2GB डेटा को कैसे अनलिमिटेड करना है मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। एक सिंपल ट्रिक थी, वही जो आप ओल्ड APK इंस्टॉल करते हैं माई जियो का, उसी जरिए से आप जो वो उसको अनलिमिटेड भी जो वो कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, रिलायंस के इस 4G से रिलेटेड, तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन को जो वो फिर से दूर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इसको लाइक करिएगा क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाया हूं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों के फ्यूचर में जो मैं हेल्प करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। अब कुछ मजाक मस्ती वाली बातें करते हैं। जी हाँ, अभी आप लोगों ने बहुत टाइम से जोक नहीं सुना होगा तो अब आपको एक अच्छा सा जोक सुना देता हूँ। सैमसंग Z2 हंसी आई नहीं, अभी आएगी, रुको। तो सैमसंग ने अपना एक नया फोन आज इंडिया के अंदर